यूपी के बरेली से, जहां क्षेत्र के गांव सेखापुर रहने वाले अनिल तिवारी ने बरेली में व्यापारी की दुकान पर काम करके अपने बेटे उत्कर्ष तिवारी को पढ़ाया लिखाया और अपने परिवार का पालन पोषण भी किया। वहीं उत्कर्ष की मां प्राइवेट स्कूल में टीचर है। उत्कर्ष के माता पिता ने बताया कि उन्होंने बेटे की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। उत्कर्ष तिवारी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई बरेली के राधा माधव पब्लिक स्कूल में की है। आपको बता दें कि उत्कर्ष इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गए। उत्कर्ष ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी माँ कल्पना तिवारी व पिता अनिल तिवारी को दिया है। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ने काफी परिश्रम और मेहनत करके उन्हें पढ़ाया लिखाया, तभी जाकर वह आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उत्कर्ष का कहना है कि इंडियन आर्मी में पहुँचकर देश की सेवा करने का उन्होंने बचपन में ही सपना देखा था और वह कड़ी मेहनत और लगन के बाद उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिला है। वह बड़े ही जज्बे और लगन से इंडियन आर्मी में रहकर देश की सेवा करेंगे। उत्कर्ष के इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने के बाद उनके परिवार व गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। स्कूल में की थी 10th और 12th दोनों वहीं किए और मेरे जो मार्क्स थे दोनों ही उसमें 95% स्कोर किया था मैंने। उसके बाद स्कूल से निकलते ही मैंने TS टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स 37 के लिए फॉर्म में अप्लाई किया था। उसके बाद वहाँ की उसकी परसेंटेज जो कट ऑफ परसेंटेज थी दैट वाज कॉल्ड एज लाइक 85%, तो 85% क्रॉस जिनकी है उन्हीं को एलिजिबल किया जाता है। उसके बाद मुझे 5 दिन के SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया गया अलाहाबाद में। वहाँ पे मेरे 5 दिन तक अलग अलग टेस्ट हुए। उसके बाद मैं वहाँ पे सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने के बाद वहाँ मेडिकल चला मेरा 10 दिन तक और उसके बाद मैं रिकमेंड हो गया आर्मी में आने के लिए। फिर वहाँ से मैं 2 जुलाई 2017 को मैंने ज्वाइनिंग ली, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया मैं। उसके बाद एक साल वहाँ ट्रेनिंग के बाद मैं 2018 में शिफ्ट हुआ कैडेट्स ट्रेनिंग विंग कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। वहाँ पे मुझे 3 साल कंटिन्यूसली BTech प्लस मिलिट्री ट्रेनिंग कराई गई। अब मेरी 12 जून 2018 को पासिंग आउट परेड थी और मैं कमीशन हुआ और अब मैं लेफ्टिनेंट उत्कर्ष तिवारी हूँ। मेरा इंडियन आर्मी में हुआ है और मेरी कोर है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। मेरे गुरुजनों को, मेरे परिवार के सारे सदस्यों को जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में हमेशा हेल्प की, मेरा सपोर्ट किया, और मेरे खासकर मेरी माँ और मेरे पिताजी को जिन्होंने मेरे हमेशा हाथ थाम के रखा, जिन्होंने अपने आप के दिल को मजबूत किया कि हाँ उन्होंने अपना बेटा देश को दे दिया है। इससे ज़्यादा फख्र की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं देश की सेवा कर सकता हूँ और ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं बता नहीं सकता हूँ, ये बयान करने लायक को है ही नहीं कि मैं मुझे कितनी खुशी है अंदर से। हाँ जी, बहुत करा है, बहुत मेहनत। देश की सेवा के लिए मैंने हमेशा, हम पहले हमारे अपने लिए था कि मैं कुछ करूं, मगर मैं नहीं करवाया तो मैंने बेटे को आगे फिर बढ़ाया और ये आगे बढ़ा। और क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आम जनों को? मैं यही चाहता हूं कि कठिन परिस्थिति कर कर करके कैसे भी अपने बच्चों को पढ़ाए और आगे बढ़ाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।